Nature is full of wonders that can leave you speechless, and seashells are undeniably one of them. Hi everyone, welcome to my channel. So in our last video, we have learned how to make beautiful candle and candle holders using seashells. In today's video, we will make use of our seashell collections to some beautiful planters. But before starting the video, if you are new to my channel, then let me tell you, I make videos on DIY, home decor, various painting and sketching techniques. So let's start now with this beautiful planter. तो इसके लिए मैंने लिया है ये कर्ड का एम्प्टी प्लास्टिक कंटेनर। इस पे मैं POP ग्लू एंड वाटर का एक मिक्सचर अप्लाई करूँगी। देन हम लेंगे शेल्स एंड इसे कंटेनर पे स्टिक कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे छोटे बड़े शेल्स के कलेक्शन थे, तो मैंने उन सबको यहाँ पे यूज़ किया है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू गोना अरेंज द शेल्स ऑन द कंटेनर। वैसे आप जैसे भी अरेंज करो, ये शेल्स इतने क्यूट एंड अमेजिंग टेक्सचर में होते हैं ना, ये हमेशा ही अच्छे लगते हैं। तो इसको ओवरनाइट छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग ऑल टुगेदर। एंड देन जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एज इट इज़ कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो आई हैव डिसाइडेड नॉट टू कलर देम। एंड सिंपली मैंने इन पे वार्निश अप्लाई करके इन्हें एक शाइनिंग सा इफेक्ट दिया है। देन ये ड्राई होने के बाद कितनी सुंदर लग रही है। ओके, देन मैं इसके टॉप के एज में लगाऊंगी गोल्डन रोप विद द हेल्प ऑफ हॉट ग्लू गन। तो बस हमारा सुंदर सा प्लांटर बन के रेडी है। इसको आप इंडोर आउटडोर कहीं पे भी सजा सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस आइडिया, देन प्रोवाइड योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, तो इसके साथ चलते हैं हम अपने अगले प्लांटर की तरफ। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ये शंख, जो कि टूटा हुआ है, बट स्टिल आई विल डू सम जुगाड़ फॉर इट। देन लिया है ये कलर्स जो कि पर्ल कलर है, एंड ये शेल्स। ऑल राइट, तो मैं स्पंज के हेल्प से ये येलो पर्ल कलर को शेल्स पे अप्लाई कर लूंगी, एंड ये पर्पल कलर को शंख पे। थोड़ी सी हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ गोल्डन कलर लिया है और उसे ड्राई ब्रश के हेल्प से इस तरह से अप्लाई कर लिया है। नाउ विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन मैं शंख को शेल पे कुछ इस तरह से स्टिक कर लूंगी, सो दैट शंख का जो टूटा हुआ पार्ट है वो कवर हो जाए। एंड देन इसे हम दूसरे वाले शेल पे कुछ इस तरह से स्टिक कर लेंगे। देन मैंने लिया है सेम गोल्डन रोप एंड कुछ इस तरह से इसे डेकोरेट कर लिया है। तो बस रेडी है हमारा सेकेंड प्लांटर। इसमें मोस्टली आप सकलेंस या फिर एयर प्लांट भी रख सकते हो, जिसको लीस्ट केयर की ज़रूरत होती है। एंड सी हाउ ब्यूटिफुल अमेजिंग माई स्पेस इज लुकिंग लाइक, आई जस्ट लव्ड इट। कमेंट डाउन योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल राइट, नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट दिस नेक्स्ट प्लांटर। इसके लिए मैंने लिया है ये शंख, कुछ ड्राइड ब्रांचेस एंड ये जूट रोप। शंख पे पहले मैं अप्लाई कर लूंगी ये सिल्वर पर्ल कलर। देन मैंने ये ड्राइड ब्रांचेस को कर लिया है गोल्डन पेंट यूजिंग स्प्रे पेंट। इसको मैं इकट्ठे करके टाई कर लूंगी रोप से कुछ इस तरह से।
देन इसे कुछ इस तरह से तीनों साइड में से हम निकालेंगे एंड इसे एक स्टैंड जैसा बनाएंगे। देन हम प्लेस करेंगे इसमें हमारा शंख। दैट्स ऑल, बन गया हमारा ट्रेंडी सा प्लांटर। इजंट इट सुपर क्विक येट अमेजिंग प्लांटर आइडिया? ऑनेस्टली आई हैव एंजॉयड फुली वाइल मेकिंग दिस सुपर इजी प्लांटर्स। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस आइडियाज। And if you like my ideas and my ideas inspires you in any ways, please show your love and support by hitting the like button and subscribe to my channel. See you all soon with another part of She Shall Crafts. Till then, stay home, stay safe. Bye-bye.